गांजा पट्टी पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 187,500 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित, संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा मुश्किल घड़ी में हम हैं आपके साथ। नवरात्र में होगा देश की पहली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का शुभारंभ, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, तैयारी तेज। राजस्थान के कई जिलों में चुनाव को लेकर धारा 144 लागू, इंटर स्टेट बॉर्डर पर 27 जगह बनाए जाएंगे नाके। राज ठाकरे ने टोल को बताया सबसे बड़ा घोटाला, महाराष्ट्र सरकार को दी चेतावनी, कहा अगर हमें रोका तो टोल बूथ पर आग लगा देंगे। 13 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, 7 नवंबर को डाले जाएंगे पहले चरण में वोट, छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी तेज। बैंकिंग, आईटी और मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों की संपत्ति में 3,70,00,000 रुपए का उछाल। बिहार के गया में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, 9 साल पहले हुई थी शादी, गला दबाकर मारने के बाद हुआ फरार। वरुण इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का दबदबा, गौतम अडानी को पछाड़ कर हासिल किया मुकाम। पद में तेज उछाल के चलते IMF ने बढ़ाया भारत के विकास दर का अनुमान, 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया GDP का लक्ष्य।